सुन लिए, अब ये सुनिए जरा। ये वाला भी सुन लिए, हम बार बार सुनने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये गाना थरबी यादव का, जो कि गाना चोरी करके गा दिए हैं पवन सिंह, जो कि चोरी नहीं का तो करते थे। और यदि ये काम खेसारी लाल यादव करते तो आप जानते हैं भोजपुरी में क्या रहता, एक अलग विवाद ही खड़ा हो जाता। और सबसे ज्यादा जानते हैं कौन भुगता, मगहिया जवान उर्फ मगनिया जवान। मगनिया जवान हम इसलिए कर रहे हैं कि भोजपुरी में बड़ा का एक छोटा सा कलाकार भी उसको नहीं पूछता है, हालांकि बड़े कलाकार के लिए मरता भी है, उसके लिए जेल भी चला गया, लेकिन क्या ही कहें हम, मतलब जेल में गया, उसके ऊपर बुरा वक्त भी आया, लेकिन बुरा वक्त में उसके लिए एक बड़ा क्या छोटा कलाकार भी नहीं आके बोला कि मगनिया जवान के ऊपर गलत हो गया है। इसलिए मगनिया जवान हम हरदम कहते रहते हैं, कभी कभी मगहिया जवान गलत से बोला जाता है। अच्छा, भी बड़े बड़े कलाकार हैं, उन लोगों को मतलब छोटे कलाकार लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, कि वो लोग मनोबल तोड़ने के लिए या तो उनका गाना चुरा लेते हैं, ये सब तो अच्छा नहीं लगता है ना। आपसे ये उम्मीद नहीं था पवन सिंह कि आप भी ऐसा काम करिएगा, लेकिन खैर वो सब पर बात नहीं करना है। बात करना है कि गाना चोरी करने से छोटे कलाकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो है कि उसका मनोबल टूट जाता है, और दूसरा मतलब कितना मेहनत करके गाना के मतलब शूटिंग करता है, गाना लिखवाता है, गाना गाता है, बहुत मेहनत हो जाता है। छोटे कलाकारों को मतलब पूंजी एक बहुत महत्व रखता है, और बड़े बड़े कलाकार उसको नहीं बूझते हैं, उनके शोषण करने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिससे छोटे कलाकारों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। बाकी सब आपसे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये काम गलत है, क्या सही है, आपसे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। ये छोटे कलाकारों के ऊपर जो प्रभाव आज पड़ रहा है, बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से ऐसा ना होना चाहिए।